क्या दाढ़ी को काली मेहंदी लगाना जायज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को काला करने से मना किया है। सही हदीस में इसकी मुखालफत है, इसलिए उलमा कहते हैं सफ़ेद बालों को आप काला नहीं कर सकते। अलबत्ता उलमा ने इसकी इल्लत ये बयान की है कि ये तग़य्यीर खल्क़िल्लाह है। क़ुरान में आता है कि शैतान ने कहा, कसम उठाई कि अल्लाह मैं इनको फ़ला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ऐसे कामों का हुक्म दूंगा कि ये तेरी तख्लीक़ को, तेरी फ़ितरत को बदल देंगे। तो उलमा ने लिखा है कि हदीस में सफ़ेद बालों को काला करने से जो मना किया गया है वो इसलिए कि आप अपनी तख्लीक़ को चेंज कर रहे हैं। क्या मतलब? आप जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये फितरत है कि आपके बाल सफ़ेद होंगे, उनका कलर चेंज होगा, तो आप उनको ब्लैक करके आप बुढ़ापे से ज़बरदस्ती जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जवान है नहीं, मगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जवान लगूँ बालों को काला करके, तो ये तग़य्यीर खल्क़िल्लाह, इसलिए हराम, नाजायज़ है। हाँ, 40 साल से पहले अगर किसी के बाल सफ़ेद होते हैं तो फिर उलमा ने कहा है कि चूँकि इसमें तग़य्यीर खल्क़िल्लाह नहीं है, हदीस में जिस बेस पर मना किया गया है वो वजह यहाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि 40 साल से पहले इंसान जवान होता है तो उस वक्त बालों का सफ़ेद होना ये बुढ़ापे की वजह से नहीं है बल्कि किसी बीमारी की वजह से, और बीमारी की आप उसको छुपा भी सकते हैं, उसका इलाज के तौर पे भी कलर लगा सकते हैं। इसी तरह जिहाद के मौके पर जो हमारे फ़ौज के अफसरान हैं उनके लिए इजाज़त है, मुजाहिद के लिए इजाज़त है कि मैदान जंग में वो अपने बुढ़ापे को छुपाने के लिए बालों को काला कर सकता है ताकि दुश्मन पर रो पड़े। जैसे रेशम पहनने की इजाज़त, रेशम मर्दों पर हराम है, मगर मैदान जंग में रेशम पहनने की इजाज़त है क्योंकि इस पर तलवार ज़्यादा असर नहीं करती। बीमारी में रेशम पहनने की इजाज़त है। तो इसी तरह काले बाल करने में अगर कोई शरई हिकमत हो, जैसे मैदान जंग में मैंने बताया कि दुश्मन पर रो पड़ता है, तो जिहाद में तो बहुत सारी चीज़ों की अल्लाह ने इजाज़त दी है। तो इसी तरह जो हमारे जो अफसरान हैं फ़ौज के या हमारे जो आम फ़ौजी हैं जो मैदान जंग में लड़ते हैं, अफसरान की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर वही बुढ़ापे को पहुँचते हैं, उन्हीं को ज़रूरत पेश आती है कि सफ़ेद बालों को काला करने की। जो रंगरूट हैं, जो जवान हैं, वो उनके तो बाल सफ़ेद होते भी नहीं हैं, लेकिन अगर किसी के हो गए हैं तो वो दुश्मन पर रोप डालने के लिए, ताकि दुश्मन को ये देखने में जवान लगे, उसके लिए इसकी इजाज़त है।